अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू होप्स डायरीज विद सिद्रा। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये है 3D DIY वॉल क्लॉक इंस्टॉलेशन के बारे में। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अगर आपको इंस्टॉलेशन करनी है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके स्टेप्स थोड़े से ट्रिकी हैं, तो कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो हमें ये चीज़ें चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। क्लॉक के पैकेट के अंदर ये तमाम चीज़ें आई हैं हमारे पास, सिवाय इस सेल के। सेल हमने ख़ुद से ख़रीदा है। तो इस पैकेट के अंदर सारे डिजिट्स मौजूद हैं, 1 से लेके 12 तक। तो इसमें कुछ डिजिट्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में हैं और कुछ ये लेटर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्लॉक डिजिट्स। क्लॉक हैंड्स या क्लॉक नीडल्स भी हैं हमारे। भी 3 ही नीडल्स हैं। अच्छा जी, तो सबसे बड़ी लेंथ वाली जो नीडल है वो होती है सेकंड्स के लिए, दरमियानी लेंथ वाली होती है मिनट्स के लिए, और सबसे छोटी वाली घंटों को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 3 नीडल्स जो हैं ये हमने इस लूप के ऊपर अटैच करनी है। सबसे पहले हम अटैच करेंगे घंटों वाली सुई, यानी कि सबसे छोटे वाली। उसके बाद हम करेंगे उससे थोड़ी सी बड़ी लेंथ वाली सुई, जो कि है मिनट्स को रिप्रेजेंट करती, उसको हमने लगाना है। दोनों सुइयों को आराम से लगाना है, थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि वो फिक्स हो जाएं। तो ये नीडल्स लगाते वक्त मेक श्योर करना है कि ये आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई ना हो, इसमें इतना सा गैप हो। तो ये जो लगा हुआ है लूप, इसके ऊपर गैप के साथ ये इंस्टॉल हो जाएंगी। आवर्स एंड मिनट्स वाली नीडल्स इंस्टॉल करने के बाद हमने सबसे ऊपर सेकेंड्स वाली नीडल को लगाना है और ये इससे क्लोज हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तमाम नीडल्स इंस्टॉल करने के बाद इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा इसको फिक्स करना है, और केयरफुली देखें कि ये कौन सी पोजीशन पर इंस्टॉल है। इसको चेक करने के लिए हम सबसे ऊपर जो सेकंड्स वाली नीडल है उसको रोटेट करेंगे। अगर वो इजीली रोटेट हो रही है तो उसकी वजह से बाकी दोनों नीडल्स भी मूव कर रही हैं। तो इसी तरह आपकी क्लॉक जो है वो काम करेगी। इसी के बैक साइड पर सेल के लिए जगह बनी हुई है, तो हम इसमें सेल लगा देंगे। एक बटन बना हुआ है स्टार्ट और स्टॉप का, तो सेल डालने के बाद हमने इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही हम इसमें सेल लगा देंगे तो ये टिकिंग स्टार्ट कर देगी। अब बारी आती है इस शीट की, तो ये शीट किस लिए यूज़ होगी? तो ये सैंपल शीट इसलिए दी गई है ताकि हमारे जो लेटर्स हैं वो एक जितनी गैप के साथ इंस्टॉल हों। तो एक टेप लें और टेप की मदद से आप इसको लगा दें। फिर हमने लेटर्स के ऊपर डबल टेप लगानी है, लेटर्स की बैक साइड के ऊपर। थोड़ी थोड़ी करके हम लोग डबल टेप काटेंगे और इतनी काटेंगे कि वो लेटर से बाहर ना शो हो। तो स्पेसिफ़िकली आप ऐसा करें कि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग कॉर्नर्स के ऊपर लाजमी टेप लगाएं और सेंटर पर। बहुत ज़्यादा ओवर टेप की ज़रूरत नहीं है, जो टेप इस पैकेज में आती है उसकी मदद से भी आसानी से हम इसको चिपका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से पीसेस लिए हैं मैंने और इनको मैंने बैक साइड के ऊपर रख दिया है। इनकी पोजीशन सेट करने के बाद एक एक करके हम इनको पेस्ट करेंगे।
सेम इसी तरह आपने सारे लेटर्स के ऊपर टेप चिपका लेनी है। एक दफ़ा सारे डिजिट्स के ऊपर टेप लग जाएगी तो आपने डबल टेप की बैक साइड को उतारना है और उस शीट के ऊपर उस डिजिट को प्लेस कर देना है। एक दफ़ा लगाने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करें और उसके बाद और इसी तरीके से सारे डिजिट्स को बारी बारी आप इस पर चिपका लें। तमाम लेटर्स एंड डिजिट्स जो हैं वो इसके ऊपर लग चुके हैं। अब हमने शीट को रिमूव कर देना है। तो जी आप देख सकते हैं कि शीट रिमूव हो चुकी है और हमारी जो क्लॉक है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।